आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, दो लड़कों की कहानी। एक लड़का था, उसके घर में फाइनेंशियल मसला था, तो वो 16-17 साल की उम्र से काम करना शुरू हो गया ताकि अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। जबकि दूसरे लड़के की फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल थी, उसको दुनिया की हर ज़रूरत की चीज़ मिली हुई थी, जिस भी चीज़ की ख्वाहिश करता वो फौरन सामने आ जाती। अब जो पहला लड़का था वो खूब मेहनत करता, रिटेल शॉप्स पर जाता और जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहा था उनका माल रिटेल शॉप्स पर जाकर बेचता और उससे जो पैसे आते अपनी पढ़ाई को खुद स्पॉन्सर करता। जबकि ये दूसरा लड़का पेरेंट्स की दी हुई फीसिस पर एजुकेशन हासिल करता और घर आकर सिर्फ तफरियां करता। दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से एक ही फील्ड में बैचलर्स किया और इत्तेफाक से एक ही कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। अब जो ये पहला लड़का था उसके एकेडमिक्स इतने अच्छे नहीं थे एज कम्पेयर टू दूसरे लड़के के, क्योंकि दूसरा लड़का टॉपर था। तो आपके ख्याल में जॉब किसको मिलेगी, पहले लड़के को या दूसरे लड़के को? सोचो, जवाब दो। जॉब मिली पहले लड़के को, हालांकि उसके एकेडमिक्स इतने अच्छे नहीं थे। उसको जॉब मिली उसकी पर्सनैलिटी पर। और उसकी पर्सनैलिटी कैसे ग्रूम हुई? उसने जो 17-18 साल की उम्र से जॉब करना शुरू कर दी थी उससे इसको लोगों से बात करना आ गया, उसको अपने आप को बेचना आ गया, अपनी पर्सनैलिटी बेचनी आ गई और वो अपनी बातों में कॉन्फिडेंट हो गया। जबकि दूसरा लड़का सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा लेकर गया जिस पर कुछ नंबर्स दर्ज थे, लेकिन उसकी वो काबिलियत उसकी जबान एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो पूरी वीडियो का लुबाब यह है कि स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम अ यंग एज। भले आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल हो और आपको पैसों की इतनी ज़रूरत ना हो, लेकिन फिर भी काम करें, उससे आपको 3 फायदे होंगे। नंबर 1, आप नए लोगों से मिलेंगे। नंबर 2, आप नए लोगों से जब मिलेंगे उनसे बात करेंगे तो आपके अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस आएगा और आपके नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। और नंबर 3, जब आपने इतनी मेहनत करके वो पैसे कमाए होंगे तो आपके अंदर पैसों की कदर आ जाएगी। तो कोई स्पेसिफिक एज नहीं है कि आपने इस एज से कुछ ना कुछ करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं हूं नबील तारिक और ये था मेरा जाविया। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।